दलितों के आतंक से कई परिवार के ग्रामीणों ने छोड़ा गांव। जी हां, यह मामला है सिनोज तहसील के ग्राम गोपाल नगर का। यहां पर रहने वाले सवण समाज के लोग इन दिनों दलित जाति से संबंधित कुछ लोगों से व उनके आतंक से परेशान हैं। विगत रोज सवण समाज के लोगों ने सिरोंज एसडीएम को एक ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया कि गोपाल नगर गांव में रहने वाले कुछ दलित जाति के असामाजिक तत्वों द्वारा शराब के नशे में अन्य समाजों का नाम लेकर गंदी गंदी गालियां आए दिन दी जाती हैं। वही दुकानों पर दादागिरी कर सामान ले लिया जाता है व संबंधित व्यापारी को उसके दाम भी नहीं दिए जाते। इतना ही नहीं, ज्ञापन में पीड़ित लोगों ने बताया कि इन लोगों के आतंक की वजह से अब तक करीब 20 परिवार के लोग गांव छोड़कर अन्य गांवों में चले गए हैं। ज्ञापन के माध्यम से पीड़ित जातियों के लोगों ने मांग की है कि हमें इन लोगों की दादागिरी से बचाया जाए। रोंज से एलन चौबे की रिपोर्ट। जितनी भी जातियां, उन सभी जाति संप्रदाय से हमारे गांव से लोग यहां, हम तो बस उनसे सबसे प्रशासन से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं, हमारे गांव की गंभीर समस्या है, समस्या को निजात दिलाएं और हम ताकि स्वतंत्रता से शांतिपूर्ण अपने गांव में निवास कर सकें, ऐसा हमने माहौल प्रदान किया। अब छोड़ गए और यहां पलायन कर चुके तो गांव में नहीं निवास कर रहे हैं, भगया है इनके अत्याचार के बाद। तो इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई, पुलिस वाले कई बार 100 नंबर लगा चुके, थाने में भी हमने कई बार अवगत कराया, वो रास्ते के कारण कह देती हैं भैया रास्ता अवरुद्ध है, हम आ नहीं सकते, बारिश का कारण है। तो ये सब समस्याएं हमारे साथ बहुत बार हो चुकी, कई दिनों से तो इतना घोर अत्याचार चल रहा है कि बाकी माता बहने शाम के 6 बजे किवाड़ लगा के अंदर घुस जाते, कोई इतना गंदा माहौल हो गया कि ना तो कोई त्यौहार मन पा रहा, ना कोई किसी से समाज में बैठ के ढंग से बात कर सकता, कब कौन आदमी दारू पी के और किसी गाली देल लगे। भाई उनसे लड़ने से अच्छा है कि तो अपन गाँव छोड़ दें या फिर और पुलिस से हम अपनी मदद मांगें, तो हम तो अब यहाँ कानून से मदद मांगने के लिए सब लोग यहाँ आए, कानून हमारे इस गांव की सभी जो संपूर्ण समाज है, किसी जाति विशेष से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी गंदा काम करता है हम उसके विरोध में हैं।